पवन सिंह की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है जो अपने फैंस को काफी नसीहतें देने के साथ साथ उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। पवन आज बेशक एक कामयाब स्टार हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष भी था। लेकिन उनके दोस्त और सुपरस्टार निरहुआ की जिंदगी भी कुछ कम तनावपूर्ण और कम संघर्ष से भरी नहीं थी। निरहुआ भी स्टार बनने से पहले काफी कुछ झेल चुके हैं, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। बड़े भाइयों से मिली गायकी की शिक्षा। जब दिनेश लाल यादव कलकत्ता से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटे थे तो कुछ करने की चाह में वो गायकी में कूद पड़े। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दिनेश लाल यादव को संगीत धरोहर के रूप में मिली थी। घर में उनके बड़े भाई विजय लाल यादव बिरहा गायकी में बड़े नाम थे और प्यारे लाल यादव गीतकार के रूप में लोकप्रिय थे। दिनेश लाल यादव ने भी भाइयों के आगे गाने की इच्छा जाहिर की और हरी झंडी मिलने के बाद अपना रुझान गायकी की तरफ मोड़ लिया। बड़े भाइयों की पहुंच थी, फिर भी निरहुआ को काफी संघर्ष करना पड़ा। गाना गवाकर ऑर्गेनाइजर नहीं देते थे पैसे। एक इंटरव्यू में उन संघर्ष के दिनों को याद करते हुए निरहुआ ने कहा था, गायकी के शुरुआत दिनों में बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इस हद तक था कि जब प्रोग्राम में गाने जाता और रात भर गाने के बाद सुबह पैसे नहीं मिलते थे। निरहुआ बताते हैं कि जब पैसे नहीं मिलते थे तो मजबूरन पैदल ही घर जाना पड़ता था। प्रोग्राम में तो अपने पैसों से पहुंच जाते थे, लेकिन उधर से कार्यक्रम के पैसे मिलने की आस होती थी, लेकिन पैसे ही नहीं मिलते थे, लिहाजा सिर पर हारमोनियम और ढोलक लेकर घर पैदल आना पड़ता था। निरहुआ ने कहा कि उनके साथ ऐसा कई बार हुआ है। फिल्म निरहुआ रिक्शे वाले ने पलटी किस्मत। दिनेश लाल यादव ने अपना फिल्मी करियर साल 2008 में आई फिल्म निरहुआ रिक्शे वाला से शुरू किया था। इस फिल्म के बाद उनको एक्टर की पहचान मिली। दिनेश लाल यादव का एक ही साल में 5 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी है, जिसमें पटना से पाकिस्तान, निरहुआ रिक्शे वाला 2, जिगरवाला, राजा बाबू और गुलामी फिल्म शामिल हैं। इंडस्ट्री में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें साल 2012 में बिग बॉस सीजन 6 में बतौर प्रतिभागी भी बुलाया गया था। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।